नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पांचाल हमारे YouTube चैनल ड्रैगो स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी के आइकन को दबा लीजिए। दोस्तों, हरियाणा सरकार ने जो आपको बहुत बड़ी सौगात जो दे दी है, बहुत बड़ी खुशखबरी जो वो दे दी है, क्योंकि हरियाणा पुलिस की जो भर्ती जो आ चुकी है 6400 टोटल वैकेंसीज के लिए जो नोटिफिकेशन है वो जारी जो कर दिया गया है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि आपने जब ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो आपको जो है किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी और जो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या कुछ रहेगा उसके लिए जो है नेक्स्ट वीडियो मैं कल लेकर आऊंगा, जिसमें कि आपको बताऊंगा एग्जाम कैसे होगा, फिजिकल कैसे होगा और बाकी जो कुछ भी सिलेक्शन प्रोसेस आपका रहेगा उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसमें बताऊंगा कि कैसे आपने जो है फॉर्म आपने भरना है, तो उसके लिए जो आपकी क्या क्या जो क्वालिफिकेशन वगैरह आपकी होनी चाहिए या आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो चलिए देखिए, यहाँ पर जो आपका फॉर्म है वो शुरू हो रहे हैं जो 12/6/2019 से, यानी कि 2 दिन बाद आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे और 26 तारीख तक जो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे, यानी कि आपको सिर्फ 12-13 दिन ही जो आपको इसके लिए मिलेंगे अप्लाई करने के लिए, और जो फीस आप वो 28/6/2019 तक जो है जमा करा पाएंगे। तो आप यहाँ पर जो देख सकते हैं कि टोटल जो यहाँ पर 6400 जो इसमें पोस्ट आई है, जिसमें कि आपकी कॉन्स्टेबल की और जो SI की भी जिसमें पोस्ट है, यानी कि सब इंस्पेक्टर की भी इसमें जो पोस्ट आपकी दी गई है। तो अब यहाँ पर देखिए कि सबमिशन ऑफ मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर्म विल ऑटोमेटिकली लीड टू रिजेक्शन ऑफ कैंडिडेटचर, यानी कि आप अगर एक से ज्यादा फॉर्म अप्लाई कर देते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो बिल्कुल ही रिजेक्ट जो कर दिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अगर आपकी कोई गलती होती है तो दोबारा फॉर्म के लिए अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि दोनों ही फॉर्म आपके जो है गलत मान के जो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कि टोटल वैकेंसी जो 5000 जो इसमें वैकेंसी जो वो आई है मेल कॉन्स्टेबल के लिए, GD के लिए, ठीक है। इसमें कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग वैकेंसी जो दिखाई गई है। तो 1000 यहाँ पर वैकेंसी जो है वो देख सकते हैं कि यहाँ पर फीमेल के लिए है, ठीक है। इसमें क्वालिफिकेशन आपकी बात करें तो जो 10+2 इसमें मांगी गई है और जो मैट्रिक में जो है हिंदी या संस्कृत आपका एक सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। अब बात करें आपकी यहाँ पर फिजिकल मेजरमेंट का क्या कुछ होगा, तो मेल के लिए अगर हाइट की बात करें तो 170 सेंटीमीटर जो है जनरल कैटेगरी वालों के लिए और 168 सेंटीमीटर जो है रिजर्व जो कैटेगरी है SC BC, ठीक है। और जो चेस्ट है वो जो जनरल के लिए 83 सेंटीमीटर से 87 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि 4 सेंटीमीटर का फुलाव आपका होना चाहिए, और 81 से 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए रिजर्व कैटेगरीज के लिए। और यहाँ पर देखिए फीमेल के लिए जो 158 सेंटीमीटर की जो जनरल कैटेगरी की जो कैंडिडेट है उनकी हाइट होनी चाहिए, चेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 156 सेंटीमीटर की जो हाइट है वो होनी चाहिए रिजर्व कैटेगरीज के लिए, और जो चेस्ट की रिक्वायरमेंट इसकी भी कोई नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पर इसके बाद तो जो आपका फिजिकल है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का हुआ, मार्क्स आपको कोई नहीं मिलेंगे। 18 से 25 साल की एज आपकी होनी चाहिए इन कॉन्स्टेबल की वैकेंसीज के लिए। और इसके बाद बात करें कि SI की जो वैकेंसीज है उसमें 400 यहाँ पर वैकेंसीज है, और कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ पर जो देख सकते हैं कि जनरल की कितनी है, SC BC की कितनी है, इन सब की, ठीक है। तो ग्रेजुएशन आपकी इसके लिए क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है, और जो मैट्रिक में जो हिंदी संस्कृत का सब्जेक्ट होना आपका जरूरी था। तो हाइट की बात करें तो मेल कैंडिडेट जो है उनके लिए 170 सेंटीमीटर की हाइट होनी जरूरी है, और जो चेस्ट है वो जो है 83 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और 4 सेंटीमीटर का इसमें फुलाव हो तो यानी कि 87 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर कि जो 168 सेंटीमीटर जो है वो होनी चाहिए जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए, और जो है 81 सेंटीमीटर का जो है यहाँ पर चेस्ट आपकी मांगी गई है बिना फुलाव के बाद, और फुलाव के बाद जो है 4 सेंटीमीटर और जो यहाँ पर आपकी बढ़ जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पर वही फिर बात इसमें भी है कि जो आपका फिजिकल होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, 21 से 27 साल की एज आपकी होनी चाहिए 1/6/2019 को, ठीक है। 1/6/2019 को जो आपकी एज वो काउंट की जाएगी। और सैलरी की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 35,400 रुपये से लेकर 11,000 यहाँ पर 1,00,000 जो है 12,400 रुपये तक की आपकी जो सैलरी है वो बन सकती है मैक्सिमम, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद की यहाँ पर जो फीस क्या कुछ यहाँ पर आपने पेमेंट जो इसकी करनी है, तो देख सकते हैं जो कैटेगरी नंबर 1 या 2 थी, यानी कि जो कॉन्स्टेबल की वैकेंसी थी आपकी, उसके लिए जो 100 रुपये की फीस जो है मेल कैंडिडेट को जो कि, और 50 रुपये जो है जनरल कैटेगरी जो की जो महिलाएं हैं उनको 50 रुपये की फीस जो पेमेंट करनी है जनरल की फीमेल कैंडिडेट्स को, और जो रिजर्व कैटेगरी है उनको 25 और 13 रुपये, यानी कि 25 मेल को और 13 रुपये जो है फीमेल कैंडिडेट्स को। जो कैटेगरी नंबर 3 है यानी कि जो SI की पोस्ट है उसमें जो जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट है उनकी 150 रुपये, और जो महिलाएँ हैं उनकी जो यहाँ पर 75 रुपये, ठीक है। और जो SC BC या फिर AWS या फिर और जितनी भी रिजर्व कैटेगरी है उनकी जो 25 रुपये मेल कैंडिडेट की और 13 रुपये जो फीमेल कैंडिडेट की। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर ई चालान के द्वारा जो आप अपनी स्टेट बैंक यानी कि जो SBI है या फिर पंजाब नेशनल बैंक है या IDBI जो बैंक है उसके द्वारा जो आप चालान भी कटवा सकते हैं, या फिर जो ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं नेट बैंकिंग के द्वारा या फिर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से, इन माध्यम से जो अपनी पेमेंट करके फॉर्म जो आप अपना ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे।
तो इसका अप्लाई करने के लिए जो डायरेक्ट लिंक है वो आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट विजिट करके जो अपना फॉर्म जो भर लीजिएगा। तो कैसे क्या कुछ इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तब तक आप फॉर्म अपना फिल जो कर लीजिए। तो एक दो दिन बाद वो वीडियो भी मैं आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।